आज का टॉपिक है कंजेशन कंट्रोल मेथड्स इन फ्रेम रिले नेटवर्क। फ्रेम रिले नेटवर्क के बारे में पहले बताया गया है कि यह एक वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर के लिए स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। फ्रेम रिले नेटवर्क में कंजेशन होने पर कंट्रोल करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वह इस प्रकार हैं, FECN, BECN एंड लीकी बकेट एल्गोरिथम। जब नेटवर्क में इंटरमीडिएट बफर्स की स्टोरेज कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा रिसीव होता है तो बफर ओवरफ्लो हो सकता है और डेटा लॉस हो जाता है, इसीलिए इंटरमीडिएट राउटर्स में होने वाले कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला मेथड है फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। यह एक फ्रेम रिले मैसेज होता है जो रिसीविंग डिवाइस को नेटवर्क में कंजेशन के बारे में नोटिफाई करता है। इसके लिए फ्रेम रिले के फ्रेम में एक एफिशिएंट बिट सेट की जाती है जो रिसीवर तक ट्रांसमिट मैसेज के साथ ट्रांसमिट होता है। यह एफिशिएंट बिट फ्रेम रिले के फ्रेम हेडर में एड्रेस फील्ड का ही पार्ट होता है। यदि नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाता है तो DCE डिवाइसेस अर्थात स्विचेस फ्रेम के एफिशिएंट बिट को 1 से सेट कर देते हैं। जब यह फ्रेम रिसीवर तक पहुंचता है तो रिसीवर को नेटवर्क में कंजेशन के बारे में सूचित किया जाता है, जिससे वह आने वाले पैकेट्स के लिए होने वाले डिले के लिए वेट कर सकता है। सेकंड मेथड बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। इसमें फ्रेम डिले मैसेज सेंडिंग को ये नोटिफाई करता है कि कंजेशन में नेटवर्क में कंजेशन हुआ है। इसके लिए BECN बिट को फ्रेम रिले के फ्रेम हेडर में 1 से सेट किया जाता है और यह फ्रेम ट्रांसमिशन सोर्स को सेंड होता है। तो यदि नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है तो यह मैसेज सेंडर को
नोटिफाई करता है कि नेटवर्क में कंजेशन हुआ है तथा सेंडर डेटा फ्लो को रिड्यूस करता है। सॉरी। इस प्रकार FECN और BECN मेथड के द्वारा नेटवर्क में कंजेशन की उपस्थिति को सेंडर और रिसीवर तक नोटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है लीकी बकेट एल्गोरिथम। यह वह एल्गोरिथम होती है जो नेटवर्क में कंजेशन को प्रिवेंट करने के लिए लीकी बकेट के कॉन्सेप्ट के द्वारा एक टाइम ड्यूरेशन में बस्टी ट्रैफिक को कांस्टेंट ट्रैफिक में कन्वर्ट करता है। इसे हम वाटर बकेट के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब एक बकेट में रैंडम ऑर्डर में वाटर पोर करते हैं तो वह बस्टी इनपुट होता है, लेकिन बकेट से एक फिक्स्ड रेट में डेटा को वाटर को रिसीव करने के लिए बकेट के बॉटम में एक होल किया जाता है जो ये इंश्योर करता है कि आउटपुट वाटर एक फिक्स्ड रेट से फ्लो होता है। और यदि बकेट फुल हो जाता है तो हम वाटर पोरिंग को भी स्टॉप करते हैं। इस प्रकार नेटवर्किंग में लीकी बकेट के कॉन्सेप्ट के द्वारा परिवर्तित इनपुट रेट को एक कांस्टेंट आउटपुट रेट में कन्वर्ट करते हैं। बस्टी डेटा बफर में अर्थात बकेट में स्टोर होते हैं और एक एवरेज रेट से प्रेषित होते हैं। लीकी बकेट एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए फीफो क्यू का यूज होता है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू होती है। यह पैकेट्स को होल्ड करता है। यदि ट्रैफिक फिक्स साइज पैकेट्स को कंसिस्ट करता है तो इस प्रक्रिया में क्लॉक की प्रत्येक टिक पर क्यू से फिक्स्ड संख्या के पैकेट्स को रिमूव करते हैं। यदि ट्रैफिक में वेरिएबल लेंथ के पैकेट्स होते हैं तो फिक्स्ड आउटपुट रेट बाइट्स की संख्या पर आधारित होता है। यहाँ एक वेरिएबल लेंथ पैकेट्स के लिए एल्गोरिथम्स को डिस्क्राइब किया गया है। पहले क्लॉक की एक टिक पर काउंटर की वैल्यू n से इनिशियलाइज करते हैं।
उसके पश्चात एन की वैल्यू फीफो क्यू में स्थित पैकेट की साइज से कंपेयर होता है। यदि यह पैकेट की साइज से अधिक होती है तो पैकेट को सेंड करते हैं, और एन की वैल्यू पैकेट साइज से डिक्रीज होती है। यह प्रक्रिया तब तक रिपीट होती है जब तक कि एन की वैल्यू क्यू में क्यू के फ्रंट में स्थित पैकेट की साइज से कम नहीं हो जाती। उसके पश्चात हम काउंटर को रीसेट करते हैं और पुनः यह प्रक्रिया रिपीट होती है। इस एल्गोरिथम को एग्जांपल से समझ सकते हैं। यदि n की वैल्यू 1000 है तो फीफो क्यू में 6 वेरिएबल लेंथ के पैकेट्स को स्टोर किया गया है, जो इनकी साइज 200, 400, 450, 500, 700 एंड 200 बाइट्स है। इसके पश्चात n की वैल्यू क्यू के फ्रंट में स्थित पैकेट से कंपेयर होता है, जो कि 200 है। क्योंकि n की वैल्यू 1000 है, जो कि 200 से अधिक है, इसीलिए यह पैकेट नेटवर्क में सेंड होता है तथा n की वैल्यू 200 से डिक्रीज हो जाती है। अब n की वैल्यू 800 होती है। इसके पश्चात पुनः n की वैल्यू क्यू के फ्रंट में स्थित अगले पैकेट से कंपेयर होती है, जो कि 400 है। 800 की वैल्यू 400 से ज़्यादा होने पर यह पैकेट भी नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो जाता है और n की वैल्यू 400 रहती है। क्योंकि इसके पश्चात n की वैल्यू 400 रहती है और क्यू के फ्रंट में स्थित पैकेट की साइज 450 ही है, जो कि n की वैल्यू से अधिक है, इस कारण यह प्रोसीजर स्टॉप हो जाता है और नेटवर्क में कोई पैकेट सेंड नहीं होता है। इसके पश्चात क्लॉक के अगले टिक पर n की वैल्यू पुनः 1000 से इनिशियलाइज होती है, और ये प्रोसीजर तब तक रिपीट होता है जब तक कि बफर में सभी पैकेट्स ट्रांसमिट में स्थित सभी पैकेट्स ट्रांसमिट नहीं हो जाते। इस प्रकार एक एवरेज आउटपुट रेट से पैकेट्स को नेटवर्क में ट्रांसमिट करने पर कंजेशन को कंट्रोल किया जा सकता है।